समाज में जब हम अपने कृत्यों के द्वारा जिस समाज की स्थापना करते हैं, महापुरुषों और संतों के द्वारा बताए गए मार्ग पर हम चलते हैं, वह धर्म होता है। और जब हम स्वच्छंद होकर अपनी मनमानी करते हुए शास्त्र और संत के विरुद्ध आचरण करते हैं, तब वो अधर्म होता है। धर्म की परिभाषा बहुत सारे मनीषियों ने, संतों ने, ज्ञानियों ने और ग्रंथों ने की है। धर्म कोई वस्तु नहीं है, धर्म कोई सामने प्रकट होने वाली कोई चीज नहीं है, धर्म एक विचार है। धर्म बनता है धरी धातु से, धरी का अर्थ होता है धारण करना। अगर किसी देवी देवता को देखकर हमारा मस्तक झुक गया तो यह धर्म की धारणा है। जिस व्यक्ति ने उस धर्म की धारणा को जीवन में धारण किया है, उसका आचरण धर्मानुकूल होगा। और जिसने उस धरी को, उस धारणा को जीवन में धारण नहीं किया है, उसका आचरण धर्मानुकूल नहीं होगा। तो फिर हम जो वेद पुराण शास्त्र और स्मृतियों के उस दुरूह ज्ञान को नहीं जान सकते, क्या साधारण मनुष्यों को भी धर्म जानने का अधिकार है? सुबह से लेकर रात्रि पर्यंत घर के व्यवहार में हम लगे रहते हैं। माताएं प्रातःकाल उठें तो इनका जीवन टिफिन बनाने से शुरू होता है और डिनर तक समाप्त हो जाता है, वो भी आवश्यक है। उस धर्म को लोक धर्म कहा जाता है और लोक में रहकर लोक धर्म का पालन भी करना चाहिए। तो लोक धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति के जीवन में धर्म किस प्रकार से आवे और वो धर्म पर कैसे चलें, ये तो ज्ञात हो जाए। तो कहा कि जो वेद शास्त्र स्मृति पुराण ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, तो अपने बुजुर्गों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा, अपने बड़े लोगों के द्वारा किए हुए आचरण पर चलना ही धर्म है। जिस पर हमारे माता पिता, आजकल धर्म परिवर्तन बहुत हो रहे हैं, थोड़ा सा धन मिल जाता है, थोड़ी सी व्यवस्थाएं और सुविधाएं मिल जाती हैं, तो हम धर्म परिवर्तित कर लेते हैं। जिस प्रकार से माता पिता गुरु नहीं बदले जा सकते, वैसे धर्म नहीं बदला जा सकता। भगवान गीता में कहते हैं कि अपने धर्म में प्राण दे देना श्रेष्ठ है, पर दूसरे धर्म में जाना श्रेष्ठ नहीं है। स्वधर्मो निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। तो धर्म की मीमांसा जब हम समझेंगे तो महाजनो जेन गतः सपन्था, जिस पर हमारे देवता, जिसमें हमारे पूर्वज, जिस पर हमारे गुरु, जिस पर हमारे माता पिता, जिस पर हमारे समाज के बड़े लोग, जिस मान्यताओं को मानते आए हैं, जिन देवताओं को पूजते आए हैं, जिनकी उपासना करते आए हैं, उन्हीं पर चलना धर्म कहलाता है। और उसी परम धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत की कथा करती है। कल हम और आप लोगों ने भागवत जी के महात्म का वर्णन श्रवण किया है।
पद्म पुराण अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म को सुना। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध में हम सब मिलकर के प्रवेश करेंगे। जैसे कि कल मैंने आपसे बताया, इसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है और भागवत महापुराण का अर्थ है भगवतः प्रोक्तम भागवतम। भगवान के मुख की जो वाणी है वो भागवत है। आप लोग देखे होंगे आजकल लगभग 20 वर्ष पहले जितने भूत प्रेत होते थे अपेक्षाकृत अब कम हो गए। गांव में, शहरों में भी भूत प्रेतों की साया बहुत आती थी। कभी कभी तो कथा में ही देवी जी प्रकट हो जाती थी, पता लगे इधर देवी जी प्रकट हो गई, इधर भैरव बाबा प्रकट हो गए, हो गई कथा। ये पहले बहुत होता था पर अभी कम हो गया। क्यों? क्योंकि भागवत जी का प्रचार इतना हो गया। जहां श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ होगा उस जगह पर भूत प्रेत नहीं रह सकते हैं, प्रमाण है ये बात। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशी। भूत प्रेत अशुद्ध वातावरण को बनाने वाली जो प्रवृत्तियां हैं, निगेटिव जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को समाप्त करने में यदि सबसे बड़ा श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो श्रीमद् भागवत जी को जाता है। घर घर में इसका प्रचार प्रसार, पठन पाठन, श्रवण दर्शन अनुमोदन निधिध्यासन आज उस प्रेत पीड़ा को समाप्त कर दिया है। बहुत कम, कहीं थोड़ा मोड़ा बच गया हो तो बच गया हो। ये भागवत जी का प्रत्यक्ष लाभ है। क्यों? क्योंकि ये भगवतः प्रोक्तम, भगवान के मुख की वाणी है ये, जिसका प्रथम श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण श्लोक की बहुत सारी व्याख्या की है। श्रीमद् भागवत महापुराण की मूल व्याख्या जो मिलती है वो श्रीधर टीका में मिलती है। श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक की कई टीकाएं की हैं। ये इतना, जिस प्रकार से परमात्मा को समझने के लिए ब्रह्म सूत्र की आवश्यकता है, जैसे गणित के सवाल को लगाने के लिए अगर सूत्र पता चल जाए ना तो बड़े से बड़े सवाल हल हो जाते हैं, ऐसे ब्रह्म को जानने के लिए शास्त्रों ने सूत्रवत बात कही है। ये जो वेद मंत्र है ना, एक लाइन के होते हैं, धर्मम चर, ये सूत्र है। उसकी व्याख्या देखनी है तो पुराणों में देखी जाए, क्योंकि वेद सूत्र वाक्य बोलते हैं, उपनिषद सूत्र वाक्य बोलते हैं, और सूत्र वाक्य की ही व्याख्या जो करता है उसे व्यास कहा जाता है। व्यास का अर्थ है जो बढ़ाने का काम करे, जो विस्तार करने का काम करे, वो व्यास है। तो वेद हमें सूत्र देते हैं। और हमारे सनातन धर्म का एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है, उसमें केवल सूत्र ही सूत्र है, उसका नाम है ब्रह्म सूत्र। जो लोग पढ़ते होंगे धार्मिक ग्रंथों को वो जानते हैं। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा।
ये ब्रह्म क्या है, ये परमात्मा क्या है, ये भगवान कौन है, कहां रहते हैं, कब आते हैं, कैसे प्रकट होते हैं, हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं, इसकी जिज्ञासा प्रत्येक मनुष्य को करनी चाहिए। आजकल जिज्ञासा कम करते हैं, कुतर्क ज्यादा करते हैं। सुदामा जी के पिताजी का क्या नाम है, क्या करोगे जानकर, क्योंकि और कुछ जानना नहीं है, कुतर्क करना है। कुतर्क करने से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। और एक बात और समझना, तर्क की कभी प्रतिष्ठा नहीं होती है। आप तर्क के द्वारा किसी को हरा तो सकते हो पर उसकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। अपनी बातों के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को पराजित तो कर सकते हो और पराजित करके समाज में यश प्राप्त कर सकते हो, पर उस तर्क की कभी प्रतिष्ठा नहीं होती। यह सूत्र वाक्य है। एक बालक पढ़ करके अपने घर आया, माताजी से पिताजी से उसने कहा कि हमने बड़ी उच्च शिक्षा प्राप्त किया है। तो माताजी ने कहा ठीक बात है। एक प्लेट में दो लड्डू रख कर लाई, बेटा दूर से आए हो तो ये लड्डू खाकर पानी पी लो। तो बच्चे ने कहा कि मां अपने विद्या का चमत्कार दिखाऊं? तो मां ने कहा कि बाद में दिखा देना, अभी पानी पी लो, दूर से आए हो। कहा नहीं नहीं चमत्कार दिखाऊंगा। क्या चमत्कार दिखाओगे? कहा कि इस दो लड्डू को मैं तीन सिद्ध कर दूंगा। तो मां तो भोली भाली, अच्छा बेटा करके दिखाओ। मां एक लड्डू पे हाथ रखती जो कहता एक, दूसरे पे रखती कहता दो, और पहले वाला घुमा के आगे कर देता कहता तीन। अब वो तो भोली भाली मां, उसने कहा कि ठीक है मान लिया। मान लिया ना मां कि इस प्लेट में तीन लड्डू है? तूने मान लिया कि मेरा ज्ञान मेरा तर्क पूर्ण है? द्वार पे बैठे थे पिताजी, उन्होंने कहा बिल्कुल, तेरी मां तो बड़ी भोली भाली सीधी सादी है, वो समझती नहीं है बेटा, पर मैं समझता हूं। एक काम कर, एक लड्डू मैं खा लेता हूं और एक लड्डू तू खा ले, अपनी पत्नी से बोला और तीसरा इसे खिला दे, इसकी बात सही हो जाएगी। हम तर्क से किसी को पराजित तो कर सकते हैं पर उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती है। इसलिए शास्त्र तर्क की बात नहीं करता, शास्त्र जिज्ञासा की बात करता है। और गीता को जिसने पढ़ा है उसके एक भक्त का नाम भी जिज्ञासु है, जो ब्रह्म की जिज्ञासा करता हो। जैसे एक पिपासु है, पिपासु का अर्थ है जो प्यास से पीड़ित है, उसको पिपासु कहते हैं। और पिपासु का भाव केवल पानी तक ही नहीं है, ब्रह्म की प्यास को भी शास्त्रों ने पिपासु कहा है। हम जाने राम जी कौन है, कृष्ण जी कौन है, हनुमान जी कौन है, इस भाव को जानने के जो सूत्र हैं उसका नाम ब्रह्म सूत्र है। और ब्रह्म सूत्र का पहला मंत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। और भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक जो है वो यहीं से प्रारंभ होता है। देखो कोई भी ग्रंथ लिखा जाए, कोई भी संत बने, कोई भी मूर्ति की स्थापना हो, कोई भी मंदिर बने, तो ये देखा जाता है कि इसका मूल कहां है। जिसका मूल नहीं होता ना उसका स्थायित्व तो भी नहीं होता है। इनके गुरु कौन, इनका संप्रदाय कौन, इनका अखाड़ा कौन, ये कहां से आए हैं, इसका ज्ञान होना चाहिए।
और जब से भारत ने इन मनमुखी गुरुओं को अपनाना प्रारंभ किया है, तो एक बात आपसे कहूं कि जितना नुकसान हिंदुओं ने अपने धर्म का किया है, दूसरे धर्म के लोगों ने नहीं किया है। जिनकी परंपरा नहीं है, जो मनमुखी है, केवल लाल पीले कपड़े पहन लेना, जिनका कोई संप्रदाय नहीं, जिनका कोई पंथ नहीं, जिनकी कोई व्यवस्था नहीं, जिनका आदि और अंत का पता नहीं है, मनमुखी परंपरा। और उन मनमुखी परंपराओं ने हमारी भारतीय संत परंपरा को भी निंदित करने का कार्य किया है।